नमस्कार। तो मित्रों, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो पिछले एक महीने के आसपास हमारा जैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, खास करके धंधा और रोजगार जो काफी एकदम से इफेक्ट हुई है, उसको देखते हुए गुजरात सरकार ने कुछ बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही मैं पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा अपडेट रखेंगे गवर्नमेंट की ओर से जो भी आपको लाभ मिलने वाले हैं उस लाभ को दिलाने में। तो बात करें तो थोड़े दिन पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया था, जिसमें स्टैंडर्ड 1 से लेके 9 तक और 11 के बच्चों को मास प्रमोशन दिया गया था, क्योंकि स्कूल्स पूरे बंद थे तो एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद गुजरात सरकार ने एक और बहुत ही शानदार निर्णय लिया है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्टल जिसको समरस हॉस्टल बोलते हैं, तो समरस हॉस्टल, आश्रम शाला की हॉस्टल या फिर बाल सुरक्षा गृह में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अभी घर चले गए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के अकाउंट में, माफ कीजिएगा, उसके नहीं उसके वाली के अकाउंट में गुजरात सरकार ने 1500 रुपए डायरेक्ट डालने का फैसला किया है। अभी ऐसे 3,25,000 स्टूडेंट्स है पूरे गुजरात में जिसके वाली के अकाउंट में अप्रैल महीने के खर्च के तहत 1500 रुपए डायरेक्ट आ जाएंगे। तो खुशी की बात है कि सरकार स्टूडेंट्स जो के खास करके गरीब तबके के स्टूडेंट्स है उसका काफी ख्याल रखती है। साथ ही में 11,000 दिव्यांग छात्र भी है जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, उसके अकाउंट में भी 1500 रुपये अप्रैल के खर्च को लेके आ जाएंगे, तो उसको भी लाभ मिलेगा। ये पूरी राशि मिला के करीब 50 करोड़ से ज्यादा की रकम गुजरात सरकार ने इसके लिए इकट्ठा की है देने के लिए, इसके लिए गुजरात सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही मैं आपको एक और एक बात के लिए जानना चाहिए, बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है जो थोड़े दिन पहले गुजरात सरकार ने की है। वो अनाउंसमेंट है कि जो भी वृद्ध है, विधवा है और दिव्यांग है, उनके अकाउंट्स में हर महीने 1,000 रुपये, यानी कि 3 महीने तक ये रकम आएगी, यानी कि 3 महीने तक 1,000 रुपये ज्यादा जो उसको ऑलरेडी मिलते हैं उससे प्लस 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 3 महीने के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे विधवाओं को, वृद्धों को और दिव्यांगों को। यह भी सराहनीय फैसला गुजरात गवर्नमेंट का है। और अंत में मैं आपको बताऊं कि जो भी महिलाएं हैं जिसका जनधन खाता है, तो उस जनधन खाते में 500 रुपये डालने का सरकार ने निर्णय किया है। तो गुजरात सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है ऐसे लोगों के लिए जिसको सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से इफेक्ट हो रही है जिसके घर में, तो उसके लिए गुजरात सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए। तो ये 3 योजनाएं अभी लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले, तो आपको जानना चाहिए और आप ये योजनाओं के बारे में सभी को बताइए जरूर, ताकि उसे पता हो तो ही ये वो लाभ ले पाएंगे या ऑफिसर्स को जाके पूछ सकेंगे कि ये योजना के बारे में मुझे लाभ क्यों नहीं मिला या नहीं मिला। तो जरूर से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों इसको फॉरवर्ड इतना कीजिए कि सभी जनता तक पहुंचे और उसका लाभ ले। थैंक यू।